कटरीना कैफ और रणबीर कपूर न्यूयॉर्क में न्यू ईयर मनाने के लिए गए, लेकिन जब वहां से वापस आना था तो मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर हुए सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर। रणबीर के साथ शटरबग्स में मीडिया कटरीना को भी कैप्चर करने के लिए बेकरार थे, लेकिन रणबीर अकेले आए, रणबीर के साथ कटरीना नहीं थी। वेल, इससे पहले कि आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कटरीना कैफ मीडिया और शटरबग से बचने के लिए रणबीर के साथ नहीं आई, हम आपको कंप्लीट खबर बता देते हैं। दरअसल कटरीना गॉट इल इन न्यूयॉर्क। जी हाँ, वहाँ की चिल वेदर ने कटरीना को बीमार कर दिया। सो कटरीना डिसाइडेड कि अब वो आराम करने के लिए कुछ दिन अपने घर लंदन जाएंगे, इसलिए कटरीना वहाँ से लंदन चली गई और रणबीर इंडिया वापस। वैसे रणबीर और कटरीना जब भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो हेडलाइंस बनाते ही है, चाहे उनकी बिकिनी पिक्चर्स हो या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। दोनों कोशिश तो फुल करते हैं कि मीडिया के सामने कुछ भी ना आए, लेकिन सब कुछ आ ही जाता है और उसके बाद कुछ इस तरह से देनी पड़ती है इस कपल को क्लैरिफिकेशन। अब क्या आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ, हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते हैं। No plans for marriage yet, so yes, I am single until I get married. करीना तो कटरीना को अपनी सिस्टर इन लॉ भी बोल चुकी है और दोनों की शादी की खबरें भी मीडिया में काफी वक्त से गर्म है। ऐसे में देखते हैं कि दोनों कब तक अपने रिलेशनशिप का कन्फेशन नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।